ओमज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिंदी भाषा में है, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ खुले बोल रहे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आए बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करने से पहले हम लोग जहाँ पर अभी आए हैं ये समाधि श्री भक्ति वेदांत श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के। अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कि जो गौड़ीय वेदांत समिति हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा ने केशव गोस्वामी महाराज ने स्थापन किया, बोले उन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को क्यों स्थापन किया था, उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए उन्होंने समिति का नाम रखा था ये गौड़ीय वेदांत। वेदांत मतलब क्या होता है, बोले वेद का जो अंत, मतलब वेद का जो सार है। तो वेद का सार क्या है, यदि वेद का जो सार है बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाथ अमृत द्रव संयुतम, बोले वेद का जो सार है ये श्रीमद् भागवत है। यदि भागवत का जो सार क्या है, यदि श्रीमद् भागवत का जो सार है ये ब्रज प्रेम है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो जो दुर्लभ प्रेम को, जिन दुर्लभ प्रेम को कहते ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि भी जो दुर्लभ प्रेम के लिए आकांक्षा करते हैं, वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए ही श्री गौड़ीय वेदांत समिति को हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा ने केशव गोस्वामी महाराज ने इसको स्थापन किया है। कहते इसी प्रेम को देने के लिए उन्होंने विशेष करके इनको पास में इनका विशेष तीन, जो एक तो हुआ वृक्ष है उसमें विशेष करके तीन फूल खिले हैं। कहते उसमें कौन है, कहते इसमें एक भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज में तीन फूल खिले हैं। है एक समय श्री गौड़ीय वेदांत समिति जहाँ पर श्री नवद्वीप मठ में सबके सब बैठे हुए थे वहां पर, और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनको हरी कथा सुना रहे थे। हरी कथा सुनाते समय कुछ लोग आए, बोले गुरुदेव यहाँ पर इतना बड़ा बाग पड़ा हुआ इसमें कुछ फूल क्यों नहीं लगाते हो, कुछ कुछ फूल लगाओ तो खाली पड़ा हुआ है। तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने बोले आपको ये फूल क्या नहीं दिख रहा है, ये तो फूल एक ही से फूल है, बोले फूल का खुशबू उसका सौगंध सौरभ कहाँ तक जाएगा, बोले थोड़ी दूर तक, कुछ देर बाद में फिर वो मुरझा जाएगी, लेकिन ये जो फूल बैठे हुए हैं ये इतना सुंदर फूल है, वो फूल का जो खुशबू उसका जो सौरभ केवल भारत तक नहीं इसका खुशबू संपूर्ण पृथ्वी में जाएगा और एक दिन संपूर्ण पृथ्वी का लोग इसी में आकर्षित तो होकर के यहाँ पर आएंगे और उसका आस्वादन करेंगे। और उसमें भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी नारायण महाराज भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज थे, इसलिए जो तीनों को अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे ये तीनों को गौड़ीय वेदांत समिति का तीन पिलर बताए। जैसे किसी पिलर के ऊपर में कोई बिल्डिंग खड़ा रहता है उसी तरह ये तीनों ने ही ये भक्ति को उसने आगे बढ़ाए, इसलिए ये तीनों को आप लोग श्रवण कर रहे थे। एक को ब्रह्मा का, एक को विष्णु और एक को उन्होंने श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश को साथ में उदाहरण देते थे, इसलिए ये तीनों को तीन रूप में और विशेष करके इनको बताते थे संबंध अभिधेय और प्रयोजन। जितने सारे शास्त्र को ढूंढो उसमें केवल तीन ही तत्व मिलेगा, भगवान को साथ में हमारा संबंध क्या है,
अभिधेय मतलब उनको प्राप्ति का उपाय क्या, प्रयोजन मतलब होता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने ये तीनों महापुरुषों के द्वारा इन्होंने सचमुच से संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को यदि ये कौन किसकी आचार्य रूप में, यदि ये संबंध के आचार्य रूप में, क्योंकि जब तक जीव का संबंध भगवान के साथ में नहीं हो, संबंध तत्व को दृढ़ता नहीं हो, ये भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इनकी विशेष करके जो हरि कथा, आप लोग कभी कभी इनका आरती कह रहे हैं, इनकी कथा भी सुंदर सुंदर कथा भी है, अगर आप लोग कभी श्रवण करेंगे तो विशेष करके उन्होंने संबंध तत्व के ऊपर में ज्यादा जोर देते थे। बोले क्यों, बोले जब तक संबंध तत्व आपका दृढ़ नहीं होगा, आपका भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने जब कभी उन्होंने रूप सनातन गौड़ीय मठ में रहे, मैं भी वहां पर था, लेकिन महाराज हर समय क्या करते थे, वो एक ही बात को बारंबार रोज रोज एक ही बात को बारंबार बोलते थे। एक दिन मैंने कहा महाराज जी चैतन्य चैतामृत तो आपने ग्रंथ को लिया, लेकिन आप ग्रंथ को सामने रख करके रोज रोज एक ही बात क्यों बोलते हो, और उस पर आगे क्या और फिर बात नहीं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया जानते हो, तो देखो जब तक जीव अगर एक जीवन में उसकी संबंध तत्व अगर भगवान से जुड़ जाए तो इसी जीवन में फिर तो आगे जीवन में भक्ति होगा। वो कहते थे भक्ति इतने आसानी वस्तु नहीं है, इसलिए जिसको रूप गोस्वामी कहते सुदुर्लभ भक्ति, सुदुर्लभ केवल दुर्लभ नहीं, कहते भक्ति सुदुर्लभ है। वो बारंबार कहते थे बोले किसी तरह से एक जीवन को, उनका यही बात था, किसी तरह से एक जीवन को गुरु वैष्णव के सेवा में लगाओ। और विशेष करके कहते थे बोले देखो इसलिए मैंने ये संबंध तत्व को पुनः पुनः बोलता हूँ, अगर एक जीवन अगर किसी तरह से मंदिर में रह करके ये भोगवाद को दूर रख करके एक जीवन अगर भक्ति में तुमने जीवन को बिता दिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और सचमुच से हम भी यही चीज को देखा, मंदिर में तो ब्रह्मचारी लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, तो आते हैं मंदिर में, और क्या होता है कुछ दिन बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर घर में चले जाते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं। फिर इसलिए वो कहते थे केवल इसी जीवन में उनका एक विशेष बात था, बोले देखो ये जो भोग बात को किसी तरह से इसी जीवन में क्या करो, उसको स्टॉप करो, उसको बंद कर दो, बंद करके एक जीवन किसी तरह से गुरु वैष्णव की सेवा को करते हुए एक जीवन को किसी तरह से एक जीवन को तुम बिता दो। अगर जीवन को तुम बिता दोगे तो आगे तुम्हारी संस्कार बनेगी, फिर आगे धीरे 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 तुम्हारी भक्ति बढ़ते रहेगी। सचमुच से उनका जो वाक्य विशेष करके दो चार श्लोक इनकी विशेष विशेष श्लोक है। एक श्लोक उनका ये था जो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य पशु भी नाम, ये श्लोक को हर जगह पर महाराज बोलते थे। बोले देखो ये जो चार चीज है, ये कुत्ते गधे सुअर भी खाते पीते ये भी बच्चे जन्म देते हैं, अगर तुमने ये जीवन को पा करके अगर तुमने उसी में ही अगर जीवन को बिता दिया, तुमने कौन सा परिवार तीर मार दिए, इसी जीवन को पा करके भगवान की भक्ति करो, भजन तो करो। और दूसरा जो श्लोक था जत मैथुना दी गृह में दी सुखा में ही तुच्छ, कहते जो संसार के जो मैथुन है, जो स्त्री संग जनित जो सुख है, वो कैसे है, जैसे खुजली जैसे खुजलता है, लेकिन जब उसका खून निकलता है ना फिर तो बड़ा ज्वाला करता है। ये संसार ऊपर से बड़ा तो हरी भरी दिखती है, बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर में क्या है, हम रोज रोज सबर गाते हैं ना, बोले संसार दाबा नली ढलो प्राणाय कारुण घना घना सम प्राप्त सकल्याण गुणाय नवस वंदे गुर श्री चरणारविंद। हम रोज रोज ये भजन को गाते, संसार क्या है ये बात कहते, संसार दाबा नल लीड लोग, ये संसार में आग धधक रही है। वो उदाहरण देते जैसे कि सोने का कलसी है, लेकिन उसमें हाथ डुबाओ ना वो जहरी जहरे। इसलिए वो कहते थे देखो ये संसार ऊपर में
दिखने के लिए तो बड़ी सुहावना लगती है, लेकिन अगर हाथ उस पर घुसाओगे ना, जहर के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। इसलिए ये चीज को उन्होंने बारंबार कहते थे, ये चीज को छोड़ करके किसना किसी तरह से एक जीवन हरि गुरु वैष्णव की सेवा में तुम्हें एक जीवन किस तरह से बिता दो, किसी तरह से बिता दो। अभी बता रहे थे ना महाराज जी, वो एकदम बात किसी बात को अंदर में नहीं रखते थे, बोलते थे देखो ये जो लड़कियां आती है ना ब्रह्मचारियों को, ये जो लड़कियां आती हैं इतने बड़े सुंदर साज धज करके तिलक लगा करके आते हैं, जानते हो क्यों आते हैं? बोले तुम ये ब्रह्मचारियों को गिराने के लिए, इनकी सर्वनाश करने के लिए आते हैं। और किसी को पूरा सीधा बोल देते थे, इनकी सर्वनाश करने के लिए आते हैं, ऊपर बड़े सुंदर साज धज करके तिलक लगा करके हैं, तिलक लगा करके आती है, क्यों आते ब्रह्मचारी को गिराने के लिए आते? इनसे सावधान रहना, इनसे को कह, इनसे सावधान रहना। वो देखने के लिए जितने ऊपर दिखाई पड़ते ना उसका तो क्या है, वो तलवार है, हैं तलवार है। इसलिए उन लोग से तुम लोग ब्रह्मचारी को तुम लोग सावधान रहना। अब विशेष करके ब्रह्मचारियों को बोलते थे, खबरदार इनको पास में फटकना नहीं, इनसे बात नहीं करना। वो सीधा बोल देते थे, हाँ वो सीधा ये बात को बोल देते थे। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ये इनका जो तत्व, मैं जो सबसे पहले मंदिर में आया, कहाँ पर इनसे मिला, मैंने मथुरा में उनके साथ में मिला। पहला दिन जब इनके कथा उन्होंने सुना है, कैसे कि चिट्ठी से लेकर हाथी तक क्या करते हैं, केवल सूप को ढूंढते हैं, लेकिन सूप क्यों नहीं मिलता है, इसी विषय पर उन्होंने इतनी सुंदर उन्होंने कथा सुनाया ना, मैं तो ये एक क्लास सुन करके ना जैसे उनके चरणों में लूट गया। बोले वाह क्या सुंदर कथा गुरुदेव ने सुनाया, अद्भुत कैसे कथा सुनाए। और जो यंग जो लड़का और लड़कियां जो भजन करना चाहते हैं, इनकी कथा को इतने ध्यान, उनके लिए इतनी सुंदर कथा सुनाते थे, इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाते थे, भक्ति कैसे इनकी पुष्ट कैसे भक्ति होगी, और क्या वैदांतिक इनके अंदर में क्या वेदांत को लेकर कथा बोलते थे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जनिता है, शास्त्र अनावृत सप्ताह तो अनावृत सप्ताह, यदि ये वेदांत के सचमुच से जो गौड़ीय वेदांत समिति भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने बनाए, सचमुच से जो वेदांत इनको ऊपर में जो इनकी जो दखल है, केवल एक शब्द को लेकर के क्या सुंदर महाराज जी, केवल एक शब्द को लेते थे वेदांत की, और क्या सुंदर महाराज जी हरि कथा कितना सुंदर सुनाया करते थे। अभी महाराज जो बोलते थे ना इनके अंदर भी क्या, जैसे समुद्र गढ़ में जैसे वहां पर एक समुद्र सेन और एक भीम सेन, सचमुच से जब नारायण गोस्वामी महाराज समुद्र सेन का जो पाठ लिए, जब कथा बोलते थे ना खंडन करके, सबके सब खंडन करके, जब समुद्र सेन की जब श्रेष्ठता स्थापन करते थे, हम लोग सोचते थे मुझसे समुद्र सेन ही बड़ा है, इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। फिर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज खड़े होते थे और महाराज जी जितने उन्होंने आर्गुमेंट देते थे, एक एक करके सबके सब खंडन कर देते थे, सबके सब एकदम खंडन कर देते थे। हम बोलते थे नहीं ये तो बात सही बता रहे हैं त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, बोले सही बोले। फिर हमारे नारायण गोस्वामी महाराज फेड़ खड़े हुए, उनकी जितने विचारधारा को एक एक करके पूरा पूरा खंडन कर देते थे। हम सोचते थे नहीं ये तो बात सही है। ऐसे करते 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 किसी मीमांसा पर नहीं पहुंचते थे, लास्ट में इतने वहीं पर इतने घंटा बीत जाती थी, लास्ट में फिर बीच में किसी का कोई सिद्धांत स्थापन नहीं हो पाता था, और बीच में लास्ट में निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, लास्ट में सबके सब खड़े होकर के सबके सब चले जाते थे। हाँ सबके सब खड़े होकर चले जाते थे। इसलिए और ये बहुत बड़े सम्राट घर के थे। आप लोगों ने जो उनको देखा होगा, जिन लोगों ने देख, जिनके सौभाग्य हुआ होगा, पहले कहते ना पहले दर्शन धारी था फिर गुण विचारी, सचमुच से जो देखने में सुंदर थे, अद्भुत सुंदर थे देखने में, वो साधारण घर के नहीं थे। उनका जो बहनी आती थी कहाँ पर श्री मथुरा मठ में, क्या देखने में इतना मोटी कितने सुंदर, इनके परिवार के लोग, साधारण लोगों का जो धारणा है वो साधु कौन बनते हैं, बोले जिनको पैसा कमाना ठीक से नहीं आता, पैसा कमा नहीं पाते, लिखे बड़े है नहीं, वो लोग छोड़ छाड़ करके वो साधु बन जाते हैं। नहीं ये बड़े सम्राट घर से आए और अच्छे लिखे पढ़े, उनका आर्टिकल कभी कभी सौभाग्य हो तो पढ़ना आर्टिकल, क्या आर्टिकल उन्होंने लिखते थे, क्या अद्भुत आर्टिकल देते थे, बड़े सम्राट घर के आए।
इसलिए कहते हैं साथी माधी चिंता भगवती सर करे कर कसासी। मतलब क्या है? बिल्व मंगल कहते हैं अगर जीवन में किसको भक्ति रस का एक बूंद अगर किसी के आस्वाद न हो, पृथ्वी का सारे सुख उसको सामने फीकी पड़ी जाती है। और इन्होंने जैसे हमारे श्री गोस्वामी लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हमारे गोस्वामी लोगों का आदर्श किया था, शादी करते हुए भी इतने सम्राट घर के सब कुछ छोड़ करके भजन के लिए आए। इसलिए श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उन्होंने यंग उम्र में, कितने उम्र में आए थे मंदिर में महाराज? 28 साल में पत्नी घर में। और देखने में कितने सुंदर थे, बड़े सुंदर थे देखने में, लंबे चौड़े देखने में थे। और 28 साल उम्र में सारे पत्नी घर में थी, उनको तुच्छ करके उनको छोड़ करके उन्होंने इतने सम्राट परिवार को छोड़ करके उन्होंने मंदिर में आकर के भजन किया, कोई साधारण बात नहीं। इसलिए आज हम लोग परिक्रमा से एक दिन पहले इनके समाधि स्थल पर हम लोग आए हैं, इसलिए आए हैं इनसे प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि वैष्णव लोगों का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक हम भक्ति में बढ़ नहीं सकते। और इन्होंने ही ये गौड़ीय वेदांत समिति का जो परिक्रमा को इन्होंने बहुत अच्छे रूप में उन लोगों ने परिचालना किया और उसको करते 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 आज इतने लोग ये परिक्रमा में आए। इसलिए इनके चरण में हम सबके सब प्रणाम करते हैं। महाराज जी हम सब लोगों को ऊपर आप कृपा करो, जैसे ये परिक्रमा आप लोगों ने आगे बढ़ाया हम लोग भी मिलजुल करके ये परिक्रमा को हम भी आगे बढ़ा सके। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को यहीं पर विश्राम देता हूँ। वंशा कल्प दुर्भस कृपा सिंधु भाई बच पतितानंद पाप निभो वैष्णव भो नमो नमः।